ஓம் நம பக்தி வாஸ்திவாய். அக்னி புராண் பஹலா அத்தியாய் மங்களாச்சரண் ததா அக்னி ஓர் விசிஷ்ட கே சம்வாத் ரூப் சே அக்னி புராண் கா ஆரம்ப. லட்சுமி சரஸ்வதி பார்த்தி கணேஷ் கார்த்திகே மகாதேவ்ஜி பிரம்மா அக்னி இந்திர ஆதி தேவதாவும் तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। नमिश्चरण की बात है, शौनक आदि ऋषि यज्ञ द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उससे वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा, ऋषि बोले, सूत जी आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वह सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। तो सूत जी कहने लगे, ऋषियों भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वे विष्णु स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने के योग्य हैं, अपराविद्या और पराविद्या। ये अथर्ववेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं शुकदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिका आश्रम को गए और वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश आरंभ किया। व्यास जी बोले, सूत जी तुम शुक आदि के साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ जी से सारभूत प्रात पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास सर्व अंतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है, इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतएव ये पर ब्रह्म रूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्निदेव द्वारा जिसका कथन हुआ है वे आग्ने पुराण वेदों के तुल्य सर्वमान्य है। ये पितृपुराण अपने पाठकों और श्रोतागणों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही काल अग्नि रुद्र से विराजमान है, वे ही ज्योतिर्मय प्रातपर पर ब्रह्म है। ज्ञान योग द्वारा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव कहने लगे, वशिष्ठ मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूता विद्या का उपदेश देता हूँ जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है, वह ब्रह्म स्वरूप है, सर्व में एवं सर्व कारण भूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंश अनुचरित्र आदि का तथा मत्स्य कोर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान जी का वर्णन है। ब्रह्मन भगवान विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ऋक यजु साम और अथर्व नामक वेद वेद के छह अंग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा धर्मशास्त्र पुराण न्याय आयुर्वेद गंधर्ववेद धनुर्वेद अथर अर्थशास्त्र ये सब अपराविद्या हैं, तथा पर विद्या वह है जिससे उस अदृश्य अग्रा गोत्र रहित चरण रहित नित्य अविनाशी ब्रह्म का बोध हो।
इस अग्नि प्राण को पराविद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था, उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण भूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। मत्स्य अवतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारण भूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए, साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान जी के मुख से सुना है। अग्निदेव बोले, विशिष्ट सुनो, मैं श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भू आदि लोक समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है, व्यवस्थित मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज, मुझे जल में मत फेंको, यहाँ ग्रह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। ये सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी ये बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जल पात्र में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाल दिया, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हो गया। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमय रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और व्यवस्थित मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका कर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले स्वर्ण में मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उसका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उसके सिंह में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराणों का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनो भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेदों को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान जी ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वराकल पाने पर श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया। अग्निदेव कहते हैं, विशिष्ट, अब मैं कूर्म अवतार का वर्णन करूंगा। ये सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है, देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे।
तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ये सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंद्राचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित होकर मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आई। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस और वासुकी नाग की पूछ थी उसी और देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंद्राचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कोर्म अर्थात कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वह नील कंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुम्बणि, गौवें तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया, इससे वे लक्ष्मीमान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जम्बादी दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी तुम हमारी भार्या हो जाओ और ये अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान जी ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उनके कपट वेश को प्रकट कर दिया। ये देखकर भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान जी को दया आई और उन्हें राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वे सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान जी ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान जी के स्वरूप का पुनः दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन कराइए। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर जी जहां जहां पर भी गए वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खानी हो गई। तत्पश्चात ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान जी के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं पिलने पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चौथे अध्याय में
वरा, नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा। अग्निदेव जी कहते हैं, विशिष्ट, अब मैं वरा अवतार की पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वरा रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं आदि की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यकश्यप के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उन सब के अधिकार छीनकर वह स्वयं उनका उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उनके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह का स्तवन किया। पूर्व काल में देवता असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्री हरि की शरण में गए। भगवान जी ने उन्हें अभिदान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर वे अदिति के गर्भ में वामन रूप में प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहां यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगो, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक, घोर लोक, स्वर्ग लोक को अपने 3 पगों से उन्होंने नाप लिया। श्री हरि ने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्री हरि का स्तवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्री हरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्यत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कृतवीर का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य कर रहा था। एक दिन मैं वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां मैं बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। ये समाचार पाकर परशुराम जी ने हेहेपुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर एक कामधेनु को लेकर अपने आश्रम को लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए हुए थे, कृतवीर के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुराम जी लौटकर आए तो पिता को मारा गया देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार कर दिया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, वरा, नरसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाता है। अग्निदेव जी कहते हैं, विशिष्ट,
अब मैं ठीक उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व काल में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवऋषि नारद कहते हैं, वाल्मीकि जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप हुए और कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। इसके बाद वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में कुकुत्स नामक राजा हुए। कुकुत्स के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु चार रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। के कई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋष्यशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञ सिद्ध चरु दिए थे जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उस बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानव अस्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ काल तक मुनि के सिद्ध आश्रम में ही रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए शतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायासी तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए प्राकर्म ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुश ध्वज थे। उनकी दो कन्याएं थी, श्रुत कीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुत कीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तंत्र राजा जनक से भली भांति पूजित होकर श्री रामचंद्र जी ने विशिष्ट आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमन अग्नि नंदन परशुराम को जीत कर वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राज्य युधाजित की राजधानी को चले गए। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल चले जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ही पिता माता आदि की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन मेरी बात सुनो, तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त होकर प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की यह हार्दिक इच्छा है कि तुम युवराज बनो, अतः कल प्रातःकाल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात मैं तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा विशिष्ट जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं, दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त विशेष जी भी मंत्रणा देते थे। पिता और मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथा अस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और माता कौशल्या को ये शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गई
उधर महाराज दशरथ विशिष्ट आदि मंत्रियों को ये कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सामग्री जुटावें, कैकई के भवन में चलेगी। कैकई के मंथरा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्टा थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की बात जानकर रानी कैकसी से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वह सदा यही चाहती थी कि राम का वनवास हो जाए। मंथरा बोली, कैकई तुम उठो, राम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। ये तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृतांत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंथरा कुबड़ी थी, उसकी बात सुनकर रानी कैकई को प्रसन्नता हुई। उन्होंने कुब्जा को एक आभूषण उतार कर दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी हैं। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकई से कहा। मंथरा कहने लगी, अरे यो नादान, तो भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा ले। कल राम राजा हो जाएंगे, फिर राम के पुत्रों को राज्य मिलेगा। कैकई, अब राजवंश भरत से दूर हो जाएगा। मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बताती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे। उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग ले। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कई अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे तूने बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर वह को भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ गई। इधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कई के भवन में आए तो उसे रोष में भरी हुई देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है? अथवा किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ क्या चाहती हो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शब्द गाकर कहता हूं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। सच सच बताओ क्या चाहती हो। कैकई बोली, राजन यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूं कि राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करे और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। ये सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकई से कहा, दशरथ बोले, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकई तो समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जब तुम मुझसे ऐसी बात कहती है? केवल मुझे प्रिय लगने वाला ये कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तुम मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है। मेरा पुत्र भरत ऐसा नहीं है पापनी। मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे थे। उन्होंने ऋषि रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा कि कहीं ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकई का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकई को
प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की और कौशल्या के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता को साथ लेकर ब्राह्मणों, दीनों और नाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वह नगर से बाहर चले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से पुरवासी भी गए थे। उन सब को सोते छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातःकाल होने पर जब श्री रामचंद्र जी वहां दिखाई नहीं दिए तो नगर निवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट आए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंगुदी वृक्ष के जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गोह दोनों रात भर जागकर पहरा देने लगे। प्रातःकाल श्री राम ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया तथा स्वयं लक्ष्मण और सीता के साथ नाव से गंगा पार होकर वे प्रयाग में चले गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के अनंतर परनकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंग में नखों से प्रहार किया। ये देख श्री राम उनके ऊपर सिंह के अस्त्र का प्रयोग किया। जब एक कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया तब उन्होंने उनकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई जिसमें उसके द्वारा कुमार अवस्था में सरयू के तट पर अनजान में यज्ञ दत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृतांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्द बेदी बांध से उसका वध कर डाला। ये समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, राजन हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं किंतु उसमें तुम्हारे पास कोई पुत्र मौजूद नहीं होगा। कौशल्ये आज उस शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतनी कथा कहने के पश्चात राजा ने हा राम कहकर स्वर्ग लोक को प्रयाण कर दिया। कौशल्या ने समझा, महाराज शोक से आतुर हैं, इस समय नींद आ गई हो गई। ऐसा विचार करके वो सो गई। प्रातःकाल जागने जगाने पर सूत मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे किंतु वह नहीं जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारेगी कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि विशिष्ट ने राजा के शव को तेल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके निहाल से तत्काल बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहां का समाचार जानकर भरत को बड़ा दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देखकर उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए बोले, अरे तूने मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया।
मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया। फिर उनने कुशल्या की प्रशंसा करके तेलपूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। तंत्र विशिष्ट आदि गुरुजन ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूं। अब उन्हें यहां लाने के लिए वन में जाता हूं। ऐसा कहकर वे वहां से दल बल सहित चल दिए और श्रृंगवेदपुर होते हुए प्रयाग पहुंचे। वहां महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग से चले और चित्रकूट में श्री राम के एवं लक्ष्मण के समीप आ पहुंचे। वहां भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए, अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। ये सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरे चरण पाद का लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य के लिए नहीं चलूंगा, पिता के सत्य की रक्षा के लिए चीर एवं जटा धारण करके वन में ही रहूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट आए और अयोध्या छोड़कर नंदी ग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए राज्य का भली भांति पालन करने लगे। नारद जी कहते हैं, मुनि, श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विशिष्ट तथा माताओं को प्रणाम करके उन सबको भरत के साथ विदा कर दिया। तत्पश्चात महर्षि अत्रि तथा उनकी पत्नी अनसुईया को, शरभंग मुनि को, सुतीक्ष्ण को तथा अगस्त जी के भ्राता अग्निजिह मुनि को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के आश्रम पर जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और मुनि की कृपा से दिव्य धनुष एवं दिव्य खड़ग प्राप्त करके वे दंडक अरण्य में आए। वहां जन स्थान के भीतर पंचवटी नामक स्थान में गोदावरी के तट पर रहने लगे। एक दिन सूर्पनखा नाम वाली भयंकर राक्षसी राम लक्ष्मण और सीता को खा जाने के लिए पंचवटी में आ गई, किंतु श्री रामचंद्र जी का अत्यंत मनोहर रूप देखकर वह काम के अधीन हो गई और बोली, सूर्पनखा ने कहा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, मेरी प्रार्थना से अब तुम मेरे पति हो जाओ। यदि मेरे साथ तुम्हारा संबंध होने में ये दोनों सीता और लक्ष्मण बाधक हैं तो मैं इन दोनों को अभी खा लेती हूं। ऐसा कहकर वह उन्हें खा जाने की तैयार हो गई। तब श्री रामचंद्र जी के कहने से लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक और दोनों कान भी काट दिए। कटे हुए अंगों से रक्त की धारा बहाती हुई सूर्पनखा अपने भाई खर के पास गई और इस प्रकार बोली, खर, मेरी नाक कट गई, इस अपमान के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। अब तो मेरा जीवन तभी रह सकता है जबकि तुम मुझे राम का, उनकी पत्नी सीता का तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण का गरम गरम रक्त पिलाओ। खर ने उनको बहुत अच्छा कहकर शांत किया और दूषण तथा तीसरा के साथ 14,000 राक्षसों की सेना लेकर श्री रामचंद्र जी पर चढ़ाई कर दी। श्री राम ने भी उन सब का सामना किया और अपने बाणों से राक्षसों को भींदना आरंभ किया। शत्रुओं की हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सहित समस्त चतुरंगनी सेना को उन्होंने यमलोक पहुंचा दिया और अपने साथ युद्ध करने वाले भयंकर राक्षस खर, दूषण एवं त्रिशरा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब सूर्पनखा लंका में चली गई और रावण के सामने जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने क्रोध में भरकर रावण से कहा, अरे तू राजा और रक्षक कहलाने योग्य नहीं है। खर आदि समस्त राक्षसों का संहार करने वाले राम की पत्नी सीता को हर ले, मैं राम और लक्ष्मण का रक्त पीकर ही जीवित रहूंगी, अन्यथा नहीं रहूंगी। सूर्पनखा की बात सुनकर रावण ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर उसने मारई से कहा, तुम स्वर्ण में विचित्र मृग का रूप धारण करके सीता के सामने जाओ और राम तथा लक्ष्मण को अपने पीछे आश्रम से दूर हटा लो, मैं सीता का हरण करूंगा। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु निश्चित कर दूंगा। मारीच ने रावण से कहा, रावण,
धनुर्धर राम साक्षात मृत्यु हैं। फिर उनके मन ही मन सोचा, यदि नहीं जाऊंगा तो रावण के हाथ से मरना होगा और जाऊंगा तो श्री राम के हाथ से मरूंगा। इस प्रकार यदि मरना ही है तो इसके लिए श्री राम ही श्रेष्ठ है, रावण नहीं, क्योंकि श्री राम के हाथ से मृत्यु होने पर मेरी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके वह मृग रूप धारण करके सीता के सामने बारंबार जाने लगा, आने लगा, इधर उधर होने लगा। जब सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने दूर तक उसका पीछा करके उसे अपने बाण से मार डाला, मरते समय उस मृग ने हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। उस समय सीता के कहने से लक्ष्मण अपनी इच्छा के विरुद्ध श्री रामचंद्र जी के पास दौड़े गए। इसी बीच में रावण ने भी मौका पाकर सीता जी को हर लिया। मार्ग में जाते समय उसने गृद्धराज जटायु का वध किया। जटायु ने भी उसके रथ को नष्ट कर डाला था। रथ ना रहने पर रावण ने सीता को कंधे पर बिठा लिया और उन्हें लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता से बोला, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। फिर राक्षसों की ओर देखकर कहा, निश्चाचर्यो इसकी रखवाली करो। उधर श्री रामचंद्र जी की जब मरीच को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को आते देख सुमित्रा नंदन, वह मृग तो माया में था, वास्तव में वह एक राक्षस था, किंतु तुम जो इस समय यहां आ गए इससे जान पड़ता है निश्चय ही कोई सीता को हर ले गया। श्री रामचंद्र जी आश्रम पर गए किंतु वहां सीता नहीं दिखाई दी। उससे वे आर्त होकर शोक और विलाप करने लगे, हा प्रिय जानकी तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। लक्ष्मण ने श्री राम को सांत्वना दी, तब वे वन में घूम घूम कर सीता की खोज करने लगे। उसी समय इनकी जटायु से भेंट हुई। जटायु ने यह कहकर कि सीता को रावण हर ले गया है उसने प्राण त्याग कर दिए। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। इसके बाद इन्होंने कबंध का वध किया। कबंध ने शाप मुक्त होने पर श्री रामचंद्र जी से कहा, आप सुग्रीव से मिलिए। नारद जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर जाकर सीता के लिए शोक करने लगे। वहां वे शबरी से मिले, फिर हनुमान जी से उनकी भेंट हुई। हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। श्री रामचंद्र जी सबके देखते देखते ताड़ के सात वृक्षों को एक ही बांध से बीन डाला और दुंदवी नामक दानव के विशाल शरीर को पैर की ठोकर से 10 योजन दूर फेंक दिया। इसके बाद सुग्रीव के शत्रु बाली को, जो भाई होते हुए भी उनके साथ वैर रखता था, मार डाला और किष्किंधापुरी वानरों का साम्राज्य रूमा एम तारा इन सबको ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव के अधीन कर दिया। तंत्र किष्किंधापुरी के स्वामी सुग्रीव ने कहा, श्री राम आपको सीता जी की प्राप्ति जिस प्रकार भी हो सके ऐसा उपाय मैं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत के शिखर पर वर्षा के 4 महीने व्यतीत किए और सुग्रीव किष्किंधा में रहने लगे। चौमासे के बाद भी जब सुग्रीव दिखाई नहीं दिए तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर कहा, सुग्रीव तुम श्री रामचंद्र जी के पास चलो, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, नहीं तो बाली मरकर जिस मार्ग से गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतः बाली के पथ का अनुसरण ना करो। सुग्रीव ने कहा, सुमित्रानंदन विषय भोग में आसक्त हो जाने के कारण मुझे बीते हुए समय का भान नहीं रहा, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर वानरराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास गए, उन्हें नमस्कार करके बोले, भगवान मैंने सब वानरों को बुला लिया है, अब आपकी इच्छा के अनुसार सीता जी की खोज करने के लिए उन्हें भेजूंगा। वे पूर्व आदि दिशाओं में जाकर 1 महीने तक सीता जी की खोज करेंगे, जो 1 महीने के बाद लौटेगा उसको मार डालूंगा। ये सुनकर बहुत से वानर पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मार्ग पर चल पड़े और वहां जनक कुमारी सीता को ना पाकर नियत समय के भीतर श्री राम और सुग्रीव के पास लौट आए। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी लेकर अन्य वानरों के साथ दक्षिण दिशा में जानकी जी की खोज कर रहे थे। वे लोग सुप्रभा की गुफा के निकट विंध्य पर्वत पर ही 1 मास से अधिक काल तक ढूंढते फिरे।
फिर उन्हें सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अंत में निराश होकर आपस में कहने लगे, हम लोगों को व्यर्थ ही प्राण देने पड़ेंगे। धन्य है वह जटायु जिसने सीता के लिए रावण के द्वारा मारा जाकर युद्ध में प्राण त्याग दिया था। उनकी ये बातें संपाति नामक घृद्र के कानों में पड़ गई। वे वानरों के प्राण त्याग की चर्चा से उनके खाने की ताक में लगा था, किंतु जटायु की चर्चा सुनकर रुक गया और बोला, वानरों, जटायु मेरा भाई था, वे मेरे ही साथ सूर्यमंडल की ओर उड़ा चला जा रहा था। मैंने अपनी पांखों की ओट में रखकर सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से उसे बचाया था, अतः वह तो सकुशल बच गया, किंतु मेरी पांखें जल गई, इसलिए मैं यहीं गिर गया। आज श्री रामचंद्र जी की वार्ता सुनने से फिर मेरे पंख निकल आए। अब मैं जानकी को देखता हूँ, मैं लंका में अशोक वाटिका के भीतर है, लवण समुद्र के द्वीप में त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, यहाँ से वहाँ तक का समुद्र 100 योजन विस्तृत है। ये जानकर सब वानर श्री राम और सुग्रीव के पास जाएं और उन्हें सब समाचार बता दें। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनकर हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा और वह कहने लगे, कौन समुद्र को लांग कर समस्त वानरों को जीवन दान देगा? वानरों की जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृष्ट सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांगे? लांगते समय अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र में उसका सत्कार किया, फिर छाया ग्राहिणी सिंहिका को सिर उठाया। वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाकर उन्हें लंकापुरी देखी, राक्षसों के घरों में खोज की, रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण विभीषण इंद्रजीत तथा अन्य राक्षसों के ग्रहों में जाकर तलाश की, मद्यपान के स्थानों आदि में भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनकी दृष्टि में नहीं पड़ी। वे बड़ी चिंता में पड़ गई। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां शिंशपा वृक्ष के नीचे सीता जी उन्हें बैठी दिखाई थी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थी। हनुमान जी ने शिंशपा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीता जी से कह रहा था, तुम मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थी। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थी, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे, उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम्ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानर राज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं, उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है, उसकी उनकी दी हुई अंगूठी ये देखो, ये ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान को देखा, फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित हैं तो वे मुझे यहां से ले क्यों नहीं जाते? इस प्रकार शंका करते ही सीता जी हनुमान जी से इस प्रकार कहा, देवी सीते, तुम यहां हो ये बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे ये समाचार जान लेने के पश्चात सेना सहित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे, तुम चिंता नहीं करना, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि उतार के दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चलें। उन्हें कौवे की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना, आज यही रहो, कल सवेरे चले जाना, तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो, तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामणि और काक वाली कथा को पहचान के रूप में लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे पति देव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आज ही तुम्हें श्री राम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा।
सीता जी बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएं। तंत्र हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने रक्षकों को मारकर उस वाटिका का उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों से वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर सात मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत ने आकर उन्हें नागपाश में बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलवाया। उसमें रावण ने पूछा, तो कौन है? तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्री राम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। ये सुनकर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उसकी पूंछ में आग लगा दी, पूंछ जल उठी। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधी मुख आदि राक्षसों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी से पूछा, कपिवर, तुम्हें सीता का दर्शन कैसे हुआ? उसने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? मैं विरह की आग में जल रहा हूं, तुम सीता की अमृतवय कथा सुनाकर मेरा संताप शांत करो। ये सुनकर हनुमान जी ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान, मैं समुद्र लांघकर लंका में गया था, वहां सीता जी का दर्शन करके लंकापुरी को जलाकर यहां आ रहा हूं। ये सीता जी की दी हुई चूड़ामणि लीजिए, अब शोक मत करिए, रावण का वध करने के पश्चात निश्चय ही आपको सीता जी की प्राप्ति होगी। श्री रामचंद्र जी उस मणि को हाथ में लेकर वीरा से व्याकुल होकर रोने लगे और बोले, इस मणि को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैंने सीता को ही देख लिया। अब मुझे सीता के पास ले चलो, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। उस समय सुग्रीव आदि ने श्री रामचंद्र जी को समझा बुझाकर शांत किया। तंत्र श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर गए, वहां उनसे विभीषण आकर मिले। विभीषण के भाई दुरात्मा रावण ने उनका तिरस्कार किया था। विभीषण ने इतना ही कहा था कि भैया, आप सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। इसी अपराध के कारण उसने उन्हें ठुकरा दिया था। अब वे असहाय थे। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को अपना मित्र बनाया और लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद श्री राम ने समुद्र से लंका जाने के लिए रास्ता मांगा। जब उसने मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने बाणों से उसे भीन डाला। अब समुद्र भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी के पास आकर बोला, भगवान, नल के द्वारा मेरे ऊपर पुल बंधा कर आप लंका में जाइए। पूर्व काल में आप ही ने मुझे गहरा बनाया था। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी ने नल के द्वारा वृक्ष और शिला खंडों से एक पुल बंधवाया और उसी से वे वानरों सहित समुद्र के पार गए। वहां सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालकर वहीं से उन्होंने लंकापुरी का निरीक्षण किया। तंतर श्री रामचंद्र जी के आदेश से अंगद रावण के पास गए और बोले, रावण, तुम जनक कुमारी सीता को ले जाकर शीघ्र श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, अन्यथा मारे जाओगे। ये सुनकर रावण उन्हें मारने को तैयार हो गया। अंगद राक्षसों को मार पीट कर लौट आए और श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, रावण केवल युद्ध करना चाहता है। अंगद की बात सुनकर श्री राम ने वानरों की सेना साथ लेकर युद्ध के लिए लंका में प्रवेश किया। हनुमान, मैन, द्विज, जामा, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, शेन, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरव, महाबली, कंपन, ग्वाक्ष, दधिमुख, गवई, गंधमादन, ये सब तो ये वहां आए ही। अन्य भी बहुत से वानर आ पहुंचे। इन असंख्य वानरों सहित कपिराज सुग्रीव भी युद्ध के लिए उपस्थित थे। फिर तो राक्षस और वानरों में घमासान युद्ध छिड़ गया। राक्षस वानरों को बाण, शक्ति और गदा आदि के द्वारा मारने लगे और वानर नख, दांत एवं शिला आदि के द्वारा राक्षसों का संहार करने लगे।
राक्षों की हाथी घोड़े रथ और पैदलों से युक्त चतरंगनी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। हनुमान ने पर्वत शिखर से अपने वैरी धूम्राक्ष का वध कर डाला। नील ने भी युद्ध के लिए सामने आए हुए अकंपन और प्रहस्त को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम और लक्ष्मण यद्यपि इंद्रजीत के नागस्त से बंध गए थे तथापि गरुड़ की दृष्टि पड़ते ही उससे मुक्त हो गए। तत्पश्चात उन दोनों भाइयों ने बाणों से राक्षसी सेना का संहार आरंभ किया। श्री राम ने रावण को युद्ध में अपने बाणों की मार से जर्जरित कर डाला। इससे दुखित होकर रावण ने कुंभकर्ण को सोते से जगाया। जागने पर कुंभकर्ण ने हजार घड़े मदरा पीकर कितने ही भैंस और आदि पशुओं का भक्षण कर लिया। फिर रावण ने कुंभकर्ण बोला रावण से कुंभकर्ण बोला सीता का हरण करके तुमने पाप किया है। तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए तुम्हारे कहने से युद्ध करने जाता हूँ। मैं वानरों सहित राम को मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुंभकर्ण ने समस्त वानरों को कुचलना आरंभ किया। एक बार उसने सुग्रीव को पकड़ लिया, तब सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट ली। नाक और कान से रहित होकर वह वानरों का भक्षण करने लगा। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने बाणों से कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद उसके दोनों पैर तथा मस्तक काटकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तंतर कुंभ निकुंभ राक्षस मकराश महोदर महापार्श मत राक्षस श्रेष्ठ उन्मत परघस भास्करण निर्विरूपाक्ष देवांतक नरांतक त्रिशिरा और अतिकाय युद्ध में कूद पड़े। तब इनको तथा और भी बहुत सी युद्धप्रायण राक्षसों को श्री राम लक्ष्मण विभीषण एवं वानरों ने पृथ्वी पर सुला दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत मेघनाथ ने माया से युद्ध करते हुए वरदान में प्राप्त हुए नागपाश द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिया। उसमें हनुमान जी के द्वारा लाए हुए पर्वत पर उगी हुई विशल्या नाम की औषधि से श्री राम और लक्ष्मण के घाव अच्छे हुए। उनके शीश से बाण निकाल दिए गए। हनुमान जी पर्वत को जहाँ से लाए थे वहीं उसे पुनः रखाए। इधर मेघनाथ निकुंबला देवी के मंदिर में होम आदि करने लगा। उस समय लक्ष्मण ने अपने बाणों से इंद्र को भी परास्त कर देने वाले उस वीर को युद्ध में मार गिराया। पुत्र के मृत्यु का समाचार पाकर रावण शोक से संतप्त हो उठा और सीता को मार डालने के लिए उद्यत हो उठा, किंतु अविंध्य के मना करने से वह मान गया और रथ पर बैठकर सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गया। तब इंद्र के आदेश से मातली ने आकर श्री रघुनाथ जी को भी देवराज इंद्र के रथ पर बिठाया। श्री राम और रावण का युद्ध श्री राम और रावण के युद्ध के ही समान था। उनकी कहीं भी दूसरी कोई उपमा नहीं थी। रावण वानरों पर प्रहार करता था और हनुमान आदि वानर रावण को चोट पहुंचाते थे। जैसे मेघ पानी बरसाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने रावण के ऊपर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। रावण के रथ ध्वज अश्व सारथी धनुष बाहु और मस्तक काट डाले। काटे हुए मस्तक के स्थान पर दूसरे नए मस्तक उत्पन्न हो जाते थे। ये देखकर श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा रावण का वक्ष स्थल विदीर्ण करके उसे रणभूमि में गिरा दिया। उसमें मरते से बचे हुए सब राक्षसों के साथ रावण की अनाथा स्त्रियां विलाप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने उन सबको सांत्वना देकर रावण के शव का दाह संस्कार किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के द्वारा सीता जी को बुलवाया। यद्यपि वे स्वरूप से ही नित्य शुद्ध थी, तो भी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपनी विशुद्धता का परिचय दिया। तत्पश्चात रघुनाथ जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद इंद्रादि देवताओं ने उनका स्तमन किया। फिर ब्रह्मा जी तथा स्वर्गवासी महाराज दशरथ ने आकर स्तुति करते हुए कहा, श्री राम तुम राक्षसों का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। फिर श्री राम के अनुरोध से इंद्र ने अमृत बरसाकर मरे हुए वानरों को जीवित कर दिया। समस्त देवता युद्ध देखकर श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया और वानरों का विशेष सम्मान किया। फिर सबको साथ लेकर सीता सहित पुष्पक विमान पर बैठकर श्री राम जिस मार्ग से आए थे उसी से लौट चले। मार्ग में वे सीता को प्रसन्नचित होकर वनों और दुर्गम स्थानों को दिखाते जा रहे थे। प्रयाग में महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अयोध्या के पास नंदी ग्राम में आए।
वहां भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर वे अयोध्या में आकर वहीं रहने लगे। सबसे पहले उन्होंने महर्षि विशिष्ट आदि को नमस्कार करके क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के चरणों में मस्तक झुकाया, फिर राज्य ग्रहण करके ब्राह्मणों आदि का पूजन किया। अश्वमेघ यज्ञ करके उन्होंने अपने आत्म स्वरूप श्री वासुदेव का यजन किया, सब प्रकार के दान दिए और प्रजाजनों का पुत्रवत पालन करने लगे। उन्होंने धर्म और काम आदि का भी सेवन किया। वे दुष्टों को सदा दंड देते रहे। उनके राज्य में सब लोग धर्मप्रायण थे तथा पृथ्वी पर सब प्रकार की खेती फली फूली रहती थी। श्री रघुनाथ जी के शासन काल में किसी की काल मृत्यु भी नहीं होती थी। नारद जी कहते हैं, जब रघुनाथ जी अयोध्या के राज्य सिंहासन पर आसीन हो गए, तब अगस्त आदि महर्षि उनका दर्शन करने के लिए गए। वहां उनका भली भांति स्वागत सत्कार हुआ। तदंतर उन ऋषियों ने कहा, भगवान आप धन्य हैं जो लंका में विजयी हुए और इंद्रजीत जैसे राक्षस को मार गिराया। अब हम उनकी उत्पत्ति कथा बतलाते हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर प्लस हुए और प्लस से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ था। उनकी दो पत्नियां थी, पुण्योत्कटा और कैक्सी। उनमें पुण्योत्कटा ज्येष्ठ थी, उसके गर्भ से धन अध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ। कैक्सी के गर्भ से पहले रावण का जन्म हुआ, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थी। रावण ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, जिससे उसने समस्त देवताओं को जीत लिया। कैक्सी के दूसरे पुत्र का नाम कुंभकर्ण और तीसरे का विभीषण था। कुंभकर्ण सदा नींद में ही पड़ा रहता था, किंतु विभीषण बड़े धर्मात्मा हुए। इन तीनों को बहन शूर्पणखा हुई। रावण से मेघनाथ का जन्म हुआ, उसने इंद्र को जीत लिया था, इसलिए इंद्रजीत के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह रावण से भी अधिक बलवान था, परंतु देवताओं आदि के कल्याण की इच्छा रखने वाले आपने लक्ष्मण के द्वारा उसका वध कर दिया। ऐसा कहकर वह अगस्त आदि ब्रह्म ऋषि श्री रघुनाथ जी के द्वारा अभिनंदित होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। तंत्र देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित श्री रामचंद्र जी के आदेश से शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर एक पुरी बसाई, जो मथुरा नाम से प्रसिद्ध हुई। तत्पश्चात भरत ने श्री राम की आज्ञा पाकर सिंधु तीर निवासी सैलूष नामक बल उन्मत्त गंधर्व का तथा उसके 3 करोड़ वंशजों का अपने तीखे बाणों से संहार किया। फिर उस देश के गांधार और मद्र दो विभाग करके उनमें अपने पुत्र तक्ष और पुष्कर को स्थापित कर दिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में चले आए और वहां श्री रंगनाथ जी की आराधना करते हुए रहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने दुष्ट पुरुषों का युद्ध में संहार किया और शिष्ट पुरुषों का दान आदि के द्वारा भली भांति पालन किया। उन्होंने लोकपात के भय से अपनी धर्मपत्नी सीता को वन में छोड़ दिया था। वहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उनके गर्भ से 2 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम कुश और लव थे। उनके उत्तम चरित्रों को सुनकर श्री रामचंद्र जी को भली भांति निश्चय हो गया कि ये मेरे ही पुत्र हैं। तत्पश्चात उन दोनों को कौशल के 2 राज्यों पर अभिषिक्त करके मैं ब्रह्म हूँ इसकी भावना पूर्वक ध्यान योग में स्थित होकर उन्हें देवताओं की प्रार्थना से भाइयों और पूर्ववासियों सहित अपने परम धाम में प्रवेश किया। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक राज्य करके वे अनेक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। इसके बाद सीता के पुत्र कौशल जनपद के राजा हुए। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, देव ऋषि नारद से यह कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने विस्तारपूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। जो इस प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है।